हजारीबाग के एसबीएमसीएच के जन कल्याण दवाई दोस्त के कर्मियों के साथ मेडिकल स्टूडेंट्स ने मारपीट की है। मेडिकल स्टूडेंट्स का वहां पहुंचकर काउंटर के अंदर आने की मांग करने लगे। दवाई दोस्त कर्मियों ने इसका विरोध किया और इससे गुस्साए मेडिकल स्टूडेंट्स ने मारपीट शुरू कर दी। सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दवाई दोस्त कर्मियों ने इसकी शिकायत एसबीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से की है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। आप 2 मिनट वेट कर लीजिए बाहर में ही, आपको हम 2 मिनट के अंदर दवा दे देते हैं। लेकिन क्या हुआ, तू लोग गाली दे दिया हमको, वो गाली दे दिया, बोला कि यहाँ का स्टाफ अपने आपको क्या समझ के रखा है, ऐसे वैसे रुको बताते हैं, तो हम बोले गाली क्यों दे रहे हैं, आप डॉक्टर हैं और गाली दे रहे हैं तो ये तो सही बात नहीं है। फिर भी हम उनको 2 मिनट में दवा दिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो आधे घंटे के बाद 25-30-35 लड़के के आसपास आए लोग, उधर पीछे के गेट से घुसे और बिना कहे पूछे डायरेक्ट मारना शुरू किया, बोलना शुरू किया हजारीबाग मेरे बाप का है, सदर हॉस्पिटल मेरे बाप का है, सिविल कार्य मेरा है, यहाँ कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। रिजेक्ट अब बहुत मार मारा, 5 मिनट बेहोश भी हो गए थे, लेकिन उन लोग का कोई ये नहीं हुआ। बाकी बात सीसीटीवी फुटेज देखे भी, और उसके बाद जब लोग सीसीटीवी फुटेज देखा उसके बाद भी लोग बंद कर दिया। ये लोग की दवा दुकान में जो स्टाफ रहते हैं और हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जो स्टाफ रहते हैं उन लोगों का कंप्लेन है कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स आके उन लोगों के साथ बसावासी और मारपीट भी की। तो अभी ये लोग मेरे पास आए हैं, काउंटर वाले, हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर वाले, कुछ दवा दुकान वाले, जन औषधि केंद्र के दवा दुकान वाले लोग आए हैं, इससे मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि FIR करेंगे। मैं स्टूडेंट से भी बात करना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट कौन कौन स्टूडेंट इसमें शामिल है उसका पता करने के बाद मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा कि आगे की कार्रवाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।